मुंबई की सिंघम मैं विशाखा पवार ने को ससम्मान स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। बेटियां आ गई, मां नहीं आएगा कैसे काम चलेगा। इसी कड़ी में मैं बेटियों की मां डॉक्टर उनका स्वागत करता हूँ। मैं तो वैसा करने के लिए जोरदार तालियों की चाहिए। इस महिला सशक्तिकरण के लिए क्योंकि मार्च से 8 तारीख को महिला दिवस का रहा। देखता हूँ महिलाओं में कितनी ताकत है। अपनी एक महिला लड़की को कितनी जबरदस्त तालियां बजाती है। देखिए किसी भी चीज को अगर हम जब शुरू करते हैं उसका बेस जानना जरूरी है या नहीं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम सेल की बात करते हैं कि नहीं। अगर सेल की बात नहीं करेंगे तो CELL के साथ साथ में SELL भी सक्सेस नहीं होता है। तो इसलिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इस बेसिक जानकारी के लिए मतलब कंपनी की प्रोफाइल बताने के लिए हम लोगों के बीच में जैसे मैंने बताया मुंबई की सिंघम मैं विशाखा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम को प्रोग्राम में जो उनका सब्जेक्ट है उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है प्रोफाइल कंपनी प्रोफाइल डायरेक्शन प्रोफाइल दिखाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एक जोरदार ताली के साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं विशाखा मैम से। सर मोस्ट वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आवाज नहीं आ रही है, महिलाओं की आ रही है, जेंट्स क्या कर रहे हैं? दोनों की आवाज आनी चाहिए। तालियां कैसे होनी चाहिए? हमेशा तक सुनाई देनी चाहिए। सीधी आप किसी को बता नहीं आती है कि सीधी पड़ेगी। दम नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। एक झलक जो दक्षिण मुंबई को देखनी चाहिए थी वो आज शुरुआत हो गई है। हो गई है तो तालियां होनी चाहिए। आवाज आ रही है? सो गुड मॉर्निंग। आज शिव जयंती है, महाराष्ट्राच्या पवित्र भूमीवर आहात, दक्षिण मुंबईत आहात, तर शिवरायाला मानवंदना होऊन आपण हा कार्यक्रमाची सुरुवात करूया। मी विनंती करीन पवार सरांना। श्रीमंत श्रीमंत श्रीमंत
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. गर्भशास्त्र पंडित ज्ञान गोविंद सरजा रणधुरंधर छत्रपती संभाजी महाराजांचा छाता डाकून नाद भवानी गाजे रक्तात वाहती आमच्या श्वासात राहती राजे. जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी. ये नजारा इसलिए कि जो काम आज हम करने वाले हैं वो भी आजादी के लिए है, खुद के अस्तित्व के लिए. सब यहाँ मौजूद है आज़ादी के लिए? फ्रीडम चाहते हैं? अस्तित्व चाहते हो? क्योंकि अस्तित्व बिना कुछ मज़ा नहीं है. जो ज़िंदगी आज डीएक्सएन ने हमें दी है वो ज़िंदगी आप भी चाहते हो. हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए चाहते हैं और वो ज़िंदगी एक ऐसे हाथों में देना चाहते हैं जिसका एक वजूद है. किसी ऐरे गहरे के हाथों में देना चाहते हो आप? बच्ची जब आप ब्याने जाते हो तो ऐरे गरे के हाथों में देते हो? नहीं, अच्छे से देख के, उसकी प्रोफाइल देख के, खानदान देख के उसको आप सुपुर्द करते हो. कोई बच्ची घर में लाते हो फिर भी हम प्रोफाइल देखते, खानदान देखते, पूरा वजूद देखते, फिर उसी घर पे लाते. सो गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, केवल मुझे या तो जो फ्रंट लाइन बैठे उनके लिए नहीं, पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, भारतवर्ष, जग भर के लिए ये प्लेटफॉर्म है. और ये क्यों है ये समझना जरूरी है. मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ, आपको ऐसी कंपनी से जुड़ना पसंद करोगे जो डेप्ट में है, कर्जे में है? पसंद करोगे? आप ऐसी कंपनी से जुड़ना अच्छा लगेगा जो डेवलपिंग में है, जो ग्रोथ में है, जो बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, खुद का एक नामो निशान बना रही है. ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना पसंद करोगे? जरूर. सो तालियां होनी चाहिए डीएक्सएन के लिए. कोई पूछता है डीएक्सएन क्या है? इट इज 100% बिजनेस, व्यापार. जब आप बाजार पेट में बैठते हो, मार्केट में बैठते हो, तो उसी हिसाब से बैठना कि मैं व्यापार के लिए आया हूं. मैं उधर मजाक मस्ती करने के लिए नहीं आया हूँ. मैं वहाँ किस चीज़ के लिए आया हूँ? व्यापार के लिए. इट इज़ अ प्योर 100% बिजनेस है. इनके लिए तालियां होनी चाहिए और खड़े रह के होनी चाहिए, क्योंकि 30 साल पहले इन्होंने एक सपना देखा था जो आज पूरा हुआ है. कोविड तो बाद में आया, लेकिन 30 साल पहले एक फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, वेल्थ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हैप्पीनेस के लिए इन्होंने सपना देखा था. जो दृष्टिकोण, जो विजन इन्होंने देखा था, आज पूरा हो रहा है. थैंक यू सो मच डॉक्टर लिम सियोजिन. ही इज अ फाउंडर ऑफ डीएक्सएन मार्केटिंग इंडिया और एक बेस्ट विजनर, कि मेरे बच्चों के लिए, मेरी माओं के लिए, मेरे परिवार के लिए आगे जाके जो चाहिए वो उन्होंने तैयार करके रखा है. इनको बहुत सारी जो अवार्ड्स है, अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है, बख्शीस लेना अच्छा लगता है. कितने लोगों को अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है? सबको लगता है ना. अच्छा, आप देखिए इनको कितने अवार्ड्स मिले, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं. जिस अवार्ड के लिए लोग तरस जाते हैं, जिस सम्मान के लिए तरस जाते हैं, वो उनको आसानी से मिली, क्योंकि उनका कर्म, उनका काम इतना मजबूत था कि लोगों ने जा जा के उनको बहुत सम्मान से ये अवार्ड प्रदान किए हैं. ये हेडक्वार्टर है मलेशिया का. कितने लोग हेडक्वार्टर गए मलेशिया, जाके आए हैं? एक नज़ारा जो 30 साल पूरे जग भर में दिखा रहा है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का. ये संसार की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी है. कितने लोग गैनोडर्मा पहले जानते थे डीएक्सएन के पहले? डीएक्सएन के पहले कोई गैनोडर्मा जानता था?
नहीं, गैनोडर्मा हमको डीएक्सएन ने वाकिफ कराया, उससे इंट्रोड्यूस कराया, और जब हेल्थ वेल्थ मिला तो हम बहुत शानो शौकत से, कोविड में भी हमने शानो शौकत की जिंदगी केवल गैनोडर्मा की वजह से जी है. एंड वी आर द लार्जेस्ट ह्यूज एंड द एंटायर वर्ल्ड में सबसे बढ़िया कंपनी डीएक्सएन की जो है वो गैनोडर्मा कंपनी डीएक्सएन है. तालियां होनी चाहिए डीएक्सएन के लिए. कितने देशों में डीएक्सएन है आपने काउंट किया कभी? कितने देशों में है? इधर आपको काउंटिंग मिल रहा है? कितने देशों में है? 200. हम दो देश भी घूम के सिटीज में भी जाने के लिए क्या करते हैं? पूरा प्लानिंग करते हैं. लेकिन ऐसी कंपनी जो 200 देश, उसके रूल्स रेगुलेशन, उनके जो भी चीज़ें हैं उसको आराम से लेके 200 देशों तक पहुँची है, तो शक लेने की ज़रूरत है? लेने की ज़रूरत है? तालियां होनी चाहिए. कितने लोग जुड़े हैं डीएक्सएन के साथ? सब लोग जुड़े हैं. इधर कितने लोग जुड़े हुए हैं? 14 मिलियन. 1 मिलियन मतलब कितना होता है? कितना होता है? 10 लाख. यानी 14 मिलियन यानी कितना हो गया? मेरी गिनती कुछ कम है, आप ही बोल दो. 1 करोड़ 40 लाख. तो तालियां होनी चाहिए. हम भी उसमें से हैं, हम भी उसमें से हैं. इस अभिनेत्री को, ये साउथ की अभिनेत्री है, हम तो हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं डीएक्सएन में बहुत अच्छी कॉफ़ी है, डीएक्सएन में प्रोडक्ट्स है, डीएक्सएन में ये है वो है. लेकिन ये जो अभिनेत्री है, हीरोइन है, ये कलाकारा है, जिन्होंने ऑनलाइन देखा और ये समझ में आया डीएक्सएन प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, खुद दुबई जाके डीएक्सएन का साथ जुड़ गई और प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया. तो हमको भी अपनी आँखें खोलनी ज़रूरी है. ये राजकुमार है सऊदी अरब कंट्री के और अबू धाबी के, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और उसका सम्मान भी कर रहे हैं. इनको तो हर व्यक्ति जानता है, ये दुबई के शहजादे हैं और वो भी अपनी कॉफ़ी जो कॉर्डिसेप है वो बहुत शानो शौकत से पी रहे हैं, इस अलग अंदाज से पी रहे. डॉक्टर ईपन कोशी को सब जानते हैं. कितने लोग हैं ईपन कोशी सर को जानते हैं? बहुत सारे लोग हैं. ये क्या कर रहे हैं कि केमिकल के बदली जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें बॉडी को फिटनेस देने की कोशिश कर रहे हैं. जो तबीयत से है, मतलब जो बीमार नहीं है, सही है, जिसकी सेहत सही है वो भी, और जिसकी सेहत सही नहीं है तो उसको दवाई के साथ ये देना ज़रूर. वो कह रहे हैं कि स्पिरुलिना और जितने भी डीएक्सएन प्रोडक्ट्स है उससे अपनी बॉडी एल्कलाइन यानी मजबूत करते जाइए. इनके लिए तालियां होनी चाहिए. खड़े होके अगर तालियां होगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा. प्रोफेसर वसुपाल एंड डॉक्टर रत्ना मैडम, जिन्होंने डीएक्सएन को भारत में लाया, हमारे लिए लाया, आज जो भी कुछ हम है ये केवल इस माँ बाप की वजह से है. आज जो हेल्दी बच्चे आज है, मेरा बच्चा भी बैठ सकते, मेरा बच्चा भी, केवल इनके विजन की वजह से आज हम हेल्दी है. डॉक्टर एस रंजन, जो बहुत बड़े एजुकेटेड और एक कर्मयोगी है, जिन्होंने आज डीएक्सएन को अपनाया और जिन्होंने डीएक्सएन को घर घर में जाने के लिए प्रमोट किया. एक कार्डियोलॉजिस्ट, जो प्रेसिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट है, वो खुद डीएक्सएन प्रोडक्ट्स खा रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं सेहत के लिए, अच्छे सेहत के लिए. जो फार्म्स है डीएक्सएन के, सिद्धिपेट, कितने लोग सिद्धिपेट गए हैं? तेलंगाना सिद्धिपेट जाके आए. एक बड़ा विजन जो डीएक्सएन ने देखा है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बहुत सारे एकर जमीन में डाला है, वो एक अच्छा विजन देख के उन्होंने शुरुआत की है. बताना तो जरूरी नहीं है कि डीएक्सएन क्या करता है. डीएक्सएन निकालता है और क्या करता है? रोकता है. दो ही चीज वेरी इंपॉर्टेंट, सफाई और मजबूती. ले रहे हैं सब लोग? अगर हम देखते हैं गैनोडर्मा,
कंप्यूटर पर, तो क्या मिलता है? डीएक्सएन इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट एंड ह्यूज कंपनी इन द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि रोजाना का जो हमारा जो हर रोज का काम है, सुबह से टूथपेस्ट रात तक टूथपेस्ट तक, वो सब प्रोडक्ट्स आज डीएक्सएन ने हमको यहाँ वाकिफ कराए हैं. अनहेल्दी से हेल्दी, मतलब सेहत की तरफ ले जाने के लिए डीएक्सएन हमें मदद कर रही है. ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमको हर रोज चाहिए वो आज डीएक्सएन ने हमारे लिए दिए हुए हैं. क्या करना है इसके लिए? सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना है. क्या करना है? रजिस्ट्रेशन. पहले अपने दिमाग में कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा निर्णय, माय डिसीजन, और उसके बाद एक फॉर्म भरना पड़ेगा. उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपका एक फ़ोटो, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका एक सिग्नेचर दैट आई एम विथ डीएक्सएन एंड डीएक्सएन इज विथ मी. क्या करना है? प्रोडक्ट को 100% यूज़ करना है. क्या करना है? 100%. कैसे करोगे? सुबह से रात तक जो भी आप काम करते हो, जो खुद के सेहत के लिए करते हो, हेल्थ के लिए करते हो, आज के लिए और कल के लिए करते हो, वो सब डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज़ करना है. करेंगे हम? कितने लोग 100% डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते? मुझे एक नहीं, दो हाथ ऊपर चाहिए. ऊपर वाला देख रहा है, फिर एक ही हाथ में देगा, दो हाथ में नहीं मिलेगा. हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी और हैप्पीनेस, और नेक्स्ट जनरेशन कैसे मिलेगा? मजबूत मिलेगा. सो हमको यूज करना है और लोगों से शेयर करना है. ये सब प्रोडक्ट अपने पास मौजूद है, तालियां होनी चाहिए. बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दिए हैं, विदाउट केमिकल प्रोडक्ट्स दिए हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सही प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं. ये भी हमारे पास है. कितने लोग यूज कर रहे हैं? सब लोग? बहुत बढ़िया. सो थैंक यू सो मच. एक कहानी से मैं मेरा सेशन कंप्लीट करूंगी, एक मिनट की कहानी चलेगा? कितने लोगों को कथा चाहिए? चाहिए? ओके. एक नटखट लड़का था जिसके पास उसके गुरुजी हमेशा कहते थे कि तू आगे बढ़, लेकिन वो नटखट लड़का सुनता नहीं था. वो चाहता था कि गुरुजी उसके पास झुके. उसकी इच्छा थी कि जो गुरुजी चाहते हैं मैं नहीं करूंगा. उस नटखट लड़के ने एक बार गुरु की परीक्षा लेने की सोच ली और वह अपने हाथों में एक नन्हे पंछी को लेके गुरु के पास चला गया. एक छोटा सा नन्हा पंछी हाथ में लेके गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से पूछा कि हाथ में क्या है. गुरु तो गुरु है, उन्होंने उनके उंगलियों से देख लिया. छोटा सा पीस उसको वो फीदर पंछी का दिखाई दिया. जैसे ही दिखाई दिया तो वो गुरुजी समझ गए कि कोई तो पंछी अंदर हाथ में है. अब इस नटखट बच्चे ने मन में ठान ली थी, मैं गुरु को पूछूंगा कि ये क्या है. अगर वो बोलते हैं पंछी है और वो कहते हैं कि जिंदा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको मार दूंगा. और अगर वो कहते हैं कि मरा हुआ है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा. लेकिन गुरु को मैं झूठा कहला के और करवा के ही रहूंगा. गुरु तो गुरु है. जैसे ही बच्चा वो उसके सामने खड़े हो गए और गुरु को पूछने लगे कि इसके हाथ, मेरे हाथ में क्या है, तो गुरु ने एक ही उत्तर दिया, आपके हाथ में नन्ना जीव है और उस जीव का जीना या मरना आपके हाथ में. अगर चाहते हो तो उसको जिंदा रखोगे, नहीं तो उसको मार दोगे. आपका हाथ ही जगन्नाथ है. ये जैसे ही सुना वो बच्चा गुरु के पैरों पे गिर गया, क्योंकि गुरु उसको झूठा या सही बनाने में नहीं तुला था, उसको अच्छा बनाने के लिए तुला था. डॉक्टर लिम ने भी हमें यही दिया है, आपका जीना आपका मरना आपके हाथ में है. आपका निर्णय उसको मजबूत बनाएगा, आपका निर्णय ही इस कंपनी के साथ आगे बढ़ाएगा. डॉक्टर लिम ने आगे 25 सालों के लिए जो डेवलपमेंट की है, आपने देखा है डिजिटल विला, साइबर विला देखा है, उसका वीडियो देखा है,
नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए हम तैयार है। क्या आप तैयार हो? यस। प्रोफाइल मजबूत है, खुद की कंपनी की सुतालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। जोरदार ताली होनी चाहिए मैडम के लिए इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए। ताली मैम, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। दोस्तों,